करते हैं। हमारा ताल्लुक एक जमींदार घराने से था। जिंदगी की सब आसाइशें मुहैया थी। मेरे दो भाई थे। बड़े भाई की शादी ताया की बेटी से हो चुकी थी और छोटा भाई आबिद भी नवी जमात में था कि वालदा ने महनूर के साथ मंगनी का इरादा किया। महनूर की कोई बहन न थी। वो खुद को तनहा महसूस करती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी। सारा दिन मेरे साथ गुजारती। अम्मी इसे प्यार करती। वो अब्बू की भी चहेती थी। जो शय मेरे लिए आती इसके लिए मिलाते। गर्ज लगता था कि इसका घर बराबर वाला नहीं बल्कि हमारा ही घर इसका है। उन दिनों आबिद को महनूर से कोई दिलचस्पी ना थी। वो खुश शक्ल थी मगर आबिद को वो बुरी लगती थी। वो चिढ़कर कहता, अम्मा इस लड़की का अपना कोई घर नहीं है। जब देखो यहाँ बैठी होती है। वालदा समझाती, बेटा ये अकेली होती है तभी तुम्हारी बहन के पास आ जाती है। तुम्हें क्या इतराज है? कुछ नहीं बस उलझन होती है। खुदा जाने मेरे भाई को महनूर से क्यों चिढ़ थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। भाई ने नवी पास कर ली। तब वालदा ने रिश्ते का जिक्र छेड़ा। आबिद ने कहा, अभी मैंने मैट्रिक पास नहीं किया कि आपको मंगनी शादी की फिक्र पड़ गई। मुझे तालीम तो मुकम्मल करने दें। वो मैट्रिक के बाद कॉलेज में पढ़ने चला गया। वालदा ने चची जान से महनूर को बहू बनाने का इरादा जाहिर कर दिया था। इन्होंने इनकार ना किया बल्कि चचा जान ने खुशी का इजहार किया था। आबिद ने 4 साल हॉस्टल में रहकर तालीम मुकम्मल की। इस दौरान वो कभी कभार छुट्टियों में घर आता। अब महनूर समझदार हो चुकी थी। वो हमारे घर कम ही आती। खास तौर पर आबिद आया होता तो हमारे यहाँ आने से गुरेजा रहती। इत्तफाक से सामना हो जाता तो मुंह फेर कर कमरे में चली जाती। खुद मुख्तार और आजाद होने के बावजूद मेरे भाई गांव के रस्म रवाज के पाबंद थे। अपनी कजन्स को नजर भर कर नहीं देखते थे। आबिद भी महनूर की सूरत भुला चुका था। वो ज्यादातर अपने घर की चार दीवारी में कैद रहती। वालदैन चाहते थे इसे दुनिया की हवा भी ना छू पाए। जब अम्मी ने भाई से पूछा कि अब जब के तुमने तालीम मुकम्मल कर ली है तो क्या हम तुम्हारा रिश्ता महनूर से कर दें? एक नजर इसको दिखा दें। बचपन वाली सूरत तो जहन से मिट चुकी है। ये बड़ा मुश्किल मरहला था। वो अब बापर्दा थी। अम्मी ने कहा कि किसी तरह इसकी एक झलक भाई को दिखा दो। जब तक एक नजर ना देख लेगा शादी पर आमादा ना होगा। मैंने किसी तौर पर महनूर की झलक भाई को दिखा दी। इसे अच्छी लगी। वो जो कभी आबिद को बुरी लगती थी अब इसकी एक झलक ने मेरे भाई के जहन की काया ही पलट कर रखती थी। माँ से कहा कि आप रिश्ते के लिए चची जान से बात कर लें। मुझे महनूर से शादी करना मंजूर है। चची से बात की तो इन्होंने जवाब दिया कि तसल्ली रखो ये तुम्हारी बच्ची है बहू भी तुम्हारी होगी। अम्मी को तसल्ली हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन जब तारीख के सिलसिले में बात करती तो चची का जवाब होता, कुछ दिन सब्र करो महनूर तुम्हारी है। बार बार याद दहानी कराने पर भी चची ने रस्म मंगनी या शादी की तारीख न दी। यूं ही तसल्लियां देती रही यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए। इनका ये रवैया समझ से बाहर था। अब वालिद भी परेशान थे। कई बार चचा से बात कर चुके थे। इनकी तरफ से इकरार था लेकिन मोहलत मांग लेते थे। एक रोज इनकी घरेलू मुलाजमा रसिया आ गई। अम्मी ने इसको टटोला। अपनी परेशानी बताकर मदद चाही तो वो बोली, बीबी आप भोली हैं। आपकी देवरानी कब से टाल मटोल कर रही है। अब तक तो आपको समझ आना चाहिए था कि मामला सीधा और साफ नहीं है। क्या कहना चाहती हो रजिया, खुलकर कहो, अम्मी ने वजाहत चाही। वो बोली, बीबी वो आपका रिश्ता हाथ में रखना चाहती हैं लेकिन किसी और रिश्ते की भी तलाश में हैं। अगर आपसे ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया तो इनकार कर देंगी। मुलाजमा की ये बात सुनकर अम्मी दंग रह गई। वो ठीक कह रही थी। अगर ये बात ना होती तो दूसरे रिश्तों पर क्यों गौर करती? हर मिलने वाले से क्यों कहती कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। गैरों से नाता करूंगी, अपनों से तो गैर अच्छे होते हैं। अम्मी को अपने कानों पर यकीन ना आ रहा था। आज कल करते उन्होंने 3 साल निकाल दिए थे। मामले को लटकाए रखने पर आबिद भी परेशान था। भाई को परेशान देखकर मैंने आबिद से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद महनूर से बात करती हूँ और इसकी मर्जी मालूम करती हूँ। असल बात तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं। मैंने एक दिन अलहदगी में महनूर से बात की।
इससे इसकी मर्जी पूछी। इसने कहा, मुझे तुम्हारी भाभी बनना पसंद है, लेकिन अम्मी डानो डोल हैं। तुम अपने अब्बू से कहो कि वो कुछ करें, ऐसा ना हो कि ये किसी दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ये कहकर महानूर ने मुझ पर वाज़ेह कर दिया कि वो भी आबिद को अपने ख्वाबों में बसा चुकी है और अपनी अम्मा के रवैये की वजह से सूली पर लटकी हुई है। महानूर के जज्बात से आगाही ने हमें तकवियत दी, मगर फैसला तो चचा ने करना था। अब जब कभी वो आती, भाई खुद बात करते, कहते कि तुम मुझसे क्यों पर्दा करती हो, जब बुजुर्गों ने पर्दा करने को नहीं कहा। रफ्ता रफ्ता वो आबिद भाई से बात भी करने लगी और उनके सवालात का जवाब भी देने लगी। आबिद इसे हौसला देता कि फिक्र ना करो, तुम्हारा रिश्ता किसी और से नहीं होने दूंगा। बचपन से हमारी निस्बत तय है तो शादी भी होगी, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। इनका ख्याल था कि ये वक्ती बातें हैं और वो दिन आया चाहता है कि जब जुदाई की ये खलीश ना रहेगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। ये दिन मगर ना आ सका। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर का रिश्ता महानूर के लिए आ गया। ये दौलतमंद लोग थे और लड़के के दूसरे भाई भी आला ओहदों पर फाइज थे। महानूर की वालदा ने शोहर को कायल कर लिया कि इस रिश्ते को हरगिज नहीं गंवाना चाहिए, इससे बेहतर फिर ना मिलेगा। आला अफसरान की फैमिली से नाता एक जमींदार के लिए सूदमंद और बाइसे खैर होगा। इन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया और वो गुत्थी सुलझ गई जो 3 बरस से उलझी हुई थी। शादी की तारीख मुकरर हो गई। इन्हें बेटी के जज्बात से ज्यादा इसके मुस्तकबिल की फिक्र थी। दरअसल एक आला पुलिस ऑफिसर को दामाद बनाकर वो इलाके में मजबूत समाजी तहफ्फुज़ चाहते थे। उधर भाई महानूर की शादी का सुनकर तड़प गए। दूसरी तरफ महानूर भी तड़प रही थी। इसे हमसे दिल लगाओ और आबिद से प्यार था। वो हर सूरत हमारी होना चाहती थी। वो अफसरदा और परेशान थी। दिन रात इसे रोने से काम था। रजिया सारा हाल हमें आकर बताती। वो महानूर के संदेश से आबिद को पहुंचाने लगी थी। महानूर खत में लिखती थी कि आबिद खुदारा कुछ करो, मेरे वालदैन चचा चची के पास गए और उनसे पूछा कि अगर रिश्ता नहीं देना था तो क्यों इतने दिन आसरे में रखा। वो सोच भी ना सकते थे कि आबिद की बचपन की मंगेतर किसी और की हो जाएगी। आबिद को भी गुस्सा था, चाहता था कि चचा के साथ कुछ हंगामा करे, मगर अम्मा अब्बू ने इसे रोक लिया, समझाया कि खानदानी लोग ऐसा नहीं कर सकते। चची ने खटियापन का सबूत दिया था और चचा ने बीवी का साथ दिया था। चची दरअसल खैर खानदान से थी, शुरू से ही इनका रख रखाव हमारी फैमिली जैसा ना था। ताहम हमें चचा जान से इस तरह की तवक्को बिल्कुल ना थी। अब्बू ने बेटे को समझाया, तुम कोई ऐसा कदम हरगिज ना उठाओगे जिससे हमारी जग हसाई हो या हमारी खानदानी शराफत पर कोई हर्फ आए। तुम्हारे चचा चची भी हमारे अपने हैं और इसी खानदान के हैं, इसलिए इस जहर के घूंट को सब्र से पी जाओ। महानूर की शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी और ये सारा हंगामा हम कानों से सुन रहे थे। आबिद को ये बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये शोर किसी और दुनिया से आ रहा है, जबकि हमारे और चचा के घर के दरमियान भी एक दीवार ही हायल थी। आबिद मुरझा गया था, जैसे इसकी जिंदगी छीनी जा रही हो। शहनाइयों और ढोल की थाप में जैसे कोई खुदा न खास्ता मौत का पैगाम दे रहा हो। आखिरकार बारात के आने का शोर बुलंद हुआ, शहनाइयों की आवाज तेज हो गई। आबिद इस मंजर को देखने पर मजबूर था। ढोल की थाप पर बारातियों के साथ आई डोली झूमर ढांस और भंगड़ा डाल रही थी और मेरे भाई की मोहब्बत किसी और की झोली में डाली जा रही थी। तभी ढोल की आवाज एकदम बुलंद हो गई। आबिद को लगा जैसे कोई इसके दिल पर हथौड़े बरसा रहा हो। अचानक इस पर जैसे वहशत तारी हो गई, इसके अंदर गुस्सा नफरत का लावा बन गया। वालिद ने आबिद की सूरत पर नजर डाली तो इसके करीब आ बैठे, जैसे कोई अनजाना खदशा इनको डराने लगा हो। इन्होंने बेटे से कहा, आबिद क्यों इस कदर परेशान हो रहे हो, देखो तुम्हारी खातिर मैं भी शादी में शरीक नहीं हुआ, हालांकि गांव के लोग इस बात पर बातें बना रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे साथ चलो, हम शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। वालिद भाई को इस हंगामे से दूर लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन आबिद टस से मस ना हुआ, कुछ देर साकित बैठा रहा। फिर चंद मिनट बाद वो यकदम उठकर अंदर चला गया। अभी कोई ये सोच भी ना पाया था कि वो किस वजह से अम्मी के कमरे में गया है। अलमारी खोलने की आवाज आई, वालिद समझ गए इनकी बंदूक वालदा की अलमारी में रखी थी।
जितनी देर में अब्बू कमरे में आ पहुंचे, आबिद बाहर निकल आया और उसके हाथ में भरी हुई बंदूक थी। वो सहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका तो वाले साहब भी इसके पीछे भागे ताकि बंदूक इसके हाथ से छीन ले। वालिद ने बेटे को दरवाजे पर जा लिया और बंदूक देने को कहा, लेकिन इसने परवाह न की। तभी अब्बू ने मामू को आवाज दी जो सामने से आ रहे थे, आबिद को पकड़ लो। मामू काफी तंदुरुस्त और अच्छी सेहत के मालिक थे। इन्होंने दौड़कर मेरे भाई को अपने बाहों के हसार में ले लिया। उधर वाले साहब ने बंदूक की नाली पकड़ी और जबरदस्ती आबिद के हाथों से छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में बंदूक चल गई और गोली अब्बू के सीने में लगी। वो उसी लम्हे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। फायर की आवाज सुनकर करीबी अजीज थोड़े आए और आबिद को थामा, बंदूक इसके हाथों से ले ली, जबकि वो कह रहा था कि छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं इन धोखेबाजों को आज तबाह कर दूंगा और ये फिर कभी खुशियों के शादियाने ना बजा सकेंगे। चचा के दरवाजे से हमारा दरवाजा मिला हुआ था। बाराती ये मंजर देखकर सहम गए। ढोल और शहनाइयों को चुप लग गई। शादी में आए लोग दम बखुद रह गए कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। बड़े भाई असलम को अब्बू ने शादी में शिरकत के लिए भेजा हुआ था ताकि गांव वालों को दोनों भाइयों की रंजिश का इल्म ना हो। गांव में भाइयों के दरमियान फूट पड़ जाए तो इसे कमजोरी समझा जाता है, फिर दुश्मनों को वार करने का मौका मिल जाता है। लोग सवाल करने लगे कि क्या हुआ। असलम भाई ने कहा, आबिद कजन की शादी पर बारातियों के इस्तकबाल की खातिर हवाई फायरिंग कर रहा था कि गोली गलती से अब्बू को लग गई। बहरहाल इतने बहुत से लोगों के सामने सानिया हुआ था, किसी ने पुलिस को इत्तला तो करनी थी। इलाके का SHO अपने चंद सिपाहियों के हमरा आ गया। इतने में एम्बुलेंस भी आ गई। वालिद को अस्पताल और पूछ गुछ के लिए आबिद को थाने ले गए। चचा जान को इल्म हो गया कि मामला क्या है, क्यों आबिद ने बंदूक उठाई थी। बहरहाल अब खानदान की इज्जत का सवाल था। इन्होंने बाजे ताशे बंद करवा कर आनन फानन बेटी की रुखसती कर दी और थाने पहुंच गए। SHO से कुछ मामला तय हुए और हवाई फायरिंग का बहाना बनाकर आबिद को आजाद करवा कर घर ले आए। मुकदमे को आगे ना बढ़ने दिया। भला मुकदमा आगे कैसे बढ़ता, जो मुद्दई थे वही कह रहे थे कि हमारे बच्चे से खता हुई है। खानदान की इज्जत बचानी थी, आबिद को छुड़ाना था। वाकई इत्तफाकी हादसा करार पा गया। ये सही है कि आबिद की नीयत वाले साहब को कत्ल करने की नहीं थी, ये एक इत्तफाकी हादसा ही था। लेकिन इश्तआल में अगर वो भरी बंदूक लेकर बाहर निकल जाता तो कितनी जानें जाया हो जाती, कोई नहीं बता सकता था। अब्बू ने अपनी जान कुर्बान करके शादी में आए लोगों की जिंदगियां बचा ली। भाई घर आया तो खामोश था, जैसे सोचने समझने की सलाहियत उसकी खत्म हो चुकी हो। असलम भाई ने इसे कमरे में बंद कर दिया और डॉक्टर को लाए, जिसने इंजेक्शन लगाकर इसे सुला दिया। जिस वक्त अब्बू की तदफीन हुई, आबिद कमरे में गाफिल सो रहा था। एक रोज के बाद इसकी आंख खुली। असलम भाई ने इसे संभाला, समझाते रहे कि हादसा इत्तफाकी था और अब कुछ मत सोचो। किस्मत में जो शय नहीं होती नहीं मिलती, लेकिन इसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। अरसा दराज तक आबिद इसी अफसुर्दगी में डूबा रहा कि इसके वक्ती इश्तगाल की वजह से बाप इस दुनिया से चला गया और इसके हाथों ये नागहानी अलमिया वको पजीर हो गया। इंसान को अपनी खता की सजा कानून या दुनिया से ना मिले भी तो जमीर जरूर देता है। मानूर तो बिहा कर चली गई। मेरे भाई को उम्र भर के लिए पछतावे की आग में जलना पड़ा। अप्पू की वफात के 11 साल बाद असलम भाई और अम्मी ने जबरदस्ती मामू की बेटी से शादी करा दी। जूं तो इसे जिंदगी के नए रंग को कबूल करना पड़ा। आबिद भाई ने इस नई जिंदगी को बादल नख्वास्ता कबूल तो कर लिया, मगर दिल से वो कभी खुश ना हुआ। आज तक ये मलाल है कि क्यों गुस्से में बंदूक उठाई कि बाप का कातिल बनना पड़ा, जबकि अब्बू से मोहब्बत भी आबिद ही को सबसे ज्यादा थी। वालिद भी अपनी औलादों में से आबिद को बहुत ज्यादा चाहते थे कि वो निहायत फरमा बद्दार और शरीफ लड़का था। कहते हैं कि इंसान को कल का पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, मगर एक गलती इसे उम्र भर के पछतावे से हमकनार कर सकती है। मेरा भाई भी जब तक जिंदा रहेगा पछतावे की आग में जलता रहेगा। मानूर अपने घर में आबाद है। इसका दिल आज भी आबिद को याद करके चुपके चुपके रोता है। वो मेरी सहेली है और इसके दुख को बस मैं ही जानती हूँ।
अम्मी वालिद की वफात के बाद हंसना मुस्कुराना भुला चुकी हैं। उस घड़ी को कोसती हैं जब आबिद से कहा था कि मानूर से शादी कर लो, जबकि मेरा भाई इसे खातिर में न लाता था। ऐ काश चची हमसे मुनाफकत न करती, पहले रोज ही सीधी सच्ची बात कह देती, तो आज हमारे खानदान में ये ऐसा अलमिया ना होता जिसका सभी को अफसोस है।